हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हुकअप एसीमेंट विद दीपाली क्लासेस में। ये जो हमारी डेली डोज ऑफ पॉलिटिक्स की सीरीज है, इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बारे में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, रीजन अभी आप कुछ ही देर में जान जाएंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी को एबॉलिश कर दिया जाता है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी एबॉलिश कर दिया जाता है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को भाई वॉइस रॉय ऑफ इंडिया बना दिया जाता है। पोस्ट कैसे कैसे बढ़ती है, पहले वो केवल गवर्नर जनरल हुआ करते थे, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिए जाते हैं और फिर वॉइस रॉय ऑफ इंडिया बन जाते हैं। एक ऑफिस एस्टेब्लिश करी जाती है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की। सेक्रेटरी के जो भी मेंबर थे वो कौन थे, ब्रिटिश कैबिनेट के थे। एक 15 मेंबर की काउंसिल भी एस्टेब्लिश करी जाती है जो काम करती है एज एन एडवाइजरी बॉडी, और उसके चेयरमैन होते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ही। और हम जानते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहाँ के हैं, ब्रिटिश कैबिनेट की हैं। अब हम जान तो गए कि क्या क्या रीजन है इसे गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहे जाने के। अब हम जानते हैं कि हमारे जो फर्स्ट वॉइस ऑफ इंडिया है वो कौन थे। हमारे जो फर्स्ट वॉइस ऑफ इंडिया थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जब फर्स्ट वॉइस रॉय ये हैं तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे हमारे पहले। कोई भी अगर आंसर जानता हो तो कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर सकता है। और ये जो लॉर्ड कैनिंग थे फर्स्ट वॉइस ऑफ इंडिया के डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे ब्रिटिश क्राउन के। और ये जो हमारी सीरीज में हमने आज पढ़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858, इसके बाद हम और भी एक्ट्स के बारे में जानेंगे। मिलते हैं नए दिन एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।